साथियों, मेरा दादा चौधरी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोग जो एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो गया, जो लोग एलिजिबल हो गया, जिनका नाम लिस्ट में आ गया और जिनको आया नहीं, 5 मार्च का बाद जिनको नाम आएगा, आप सबको बधाई है, आप सबको शुभकामना है। तो मैं अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सका, तो इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। जो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और इंजीनियर है, जो एक हाथ में तो समय नहीं है, तो इसके लिए इस अंदर में आप क्या पढ़ने का, वो मैं टिप्स दे देता हूँ छोटा सा। तो उसमें अगर सेकंड क्लास ड्राइवर है तो उसके लिए बेसिक इंजन का जो बेसिक है वो बेसिक आप जान लीजिएगा। डीजल इंजन कैसे काम करते हैं, ये वगैरह जो बेसिक का आप ज़रा फॉलोअप कीजिएगा। इंजन का चालू करने का पहले आप क्या क्या करेगा और चालू करने के बाद आप क्या करेगा वो ज़रा जान लीजिएगा। मीटर रीडिंग और उसका नॉलेज आप थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिएगा। और स्टार्टिंग सिस्टम और अरेंजमेंट, जो स्टार्टिंग सिस्टम अरेंजमेंट वो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट का जो हर एक चीज़ का जो यूनिट, आप जैसा जैसा ये वॉल्यूम का यूनिट, इसका पैसिफिक ग्रेविटी का यूनिट, ऐसा जो टाइम का यूनिट, ऐसा जो हर एक चीज़ का जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक और ये जनरल में यूनिट का थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। क्रू सेफ्टी और फायर इक्विपमेंट का, उसका ऑपरेशन कैसे क्या होता है, क्रू सेफ्टी का, फायर इक्विपमेंट इसका, और कूलिंग सिस्टम का, कूलिंग सिस्टम और बिल्जेस सिस्टम का थोड़ा जानकारी लीजिएगा। और नॉर्मल मेटल, ये पार्ट का जो मेटल है, नॉर्मल मेटल का, इसका जानकारी लीजिएगा। वो इंजन उसको जानकारी लीजिएगा, और इंजन और प्रोपेलर इनका भी मेटल क्या है, वो कैसा ऑपरेट होता है, कैसा क्या है, उसको थोड़ा जानकारी लीजिएगा। बस इतना सेकंड क्लास ड्राइवर के लिए काफ़ी है। और उसका लिए जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर है उनका लिए भी है, थोड़ा सा इंजन का स्ट्रोक के बारे में थोड़ा सा जानकारी कीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टिंग अरेंजमेंट, जो स्टार्टिंग अरेंजमेंट है उसको थोड़ा जानकारी लीजिएगा। जैसा एयर में स्टार्ट होता है, कोई बैटरी में स्टार्ट होता है, कोई हैंडल में भी स्टार्ट होता है छोटा छोटा इंजन, तो ऐसे इसका थोड़ा जानकारी आप लीजिएगा। अभी शॉर्ट टाइम है, इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं बता सकेगा, तो मैं आस्ते आस्ते मैं वीडियो में ये डालते रहूँगा, मेरा ब्लॉग में भी डालते रहूँगा। जो इंटरनल एक्सटर्नल कम्बसन इंजन का जो नॉलेज है वो नॉलेज थोड़ा लीजिएगा। रनिंग डिफेक्ट का आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो उसका थोड़ा नॉलेज लीजिएगा। लॉग बुक मेंटेन और स्टोर अपडेट कैसे करेगा उसको जानकारी थोड़ा लीजिएगा। बाद में रिपेयर और रिप्लेस, कुछ पार्ट्स को अगर रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, वो कैसे करेगा उसको जानकारी थोड़ा सा लीजिएगा। फिर सेफ्टी नॉलेज एंड फायर सिस्टम इक्विपमेंट, जो फायर सिस्टम का जो इक्विपमेंट उसका जानकारी लीजिएगा। जो उसका कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो ज़रा जानकारी लीजिएगा। और दूसरा जो यूनिट है, यूनिट का भी थोड़ा जानकारी लीजिएगा, हॉस्पार का थोड़ा जानकारी लीजिएगा। फॉल्ट फाइंडिंग का वो नोट डाउन, जो कैसा फॉल्ट फाइंडिंग है उसका नोट डाउन करने का और उसको कैसे हैंडलिंग करेगा उसको जानकारी लीजिएगा। इसका अगर फायर फाइटिंग का थोड़ा इक्विपमेंट का जानकारी लीजिएगा। आप इतना तक करेगा तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएगा। और जो इंजीनियर है उनका लिए भी मैं, वो भाइयों का लिए साथी, आप लोग इंजीनियर का बोला तो सबसे बड़ा टॉप लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहा है, आईवी का, इनलैंड वेसल का सबसे टॉप एग्ज़ाम देने जा रहा है। तो आप प्लीज आपका मन में ध्यान में ले लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम में आपके ऊपर बोझ बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है एग्ज़ाम पे, पहले ही आपको फॉल्ट फाइंडिंग, जो फुल्ली फॉल्ट फाइंडिंग, कौन सा किसका फॉल्ट हो सकता, क्या हो सकता, सुपरविजन, डेंग मशीन जितना रहेगा उसका सुपरविजन कैसा करेगा उसको पर ध्यान दीजिएगा। कटआउट जितना सेफ्टी सिस्टम का उसका नॉलेज लीजिएगा, जितना कटआउट है, कटआउट और सेफ्टी सिस्टम उसका नॉलेज लीजिएगा। ऑल फायर इक्विपमेंट ऑपरेशन एंड रिफिलिंग
कैसा करेगा, रिफिलिंग करने का बाद आप क्या करेगा, जितना आपको फायर इक्विपमेंट है उसको रिफिलिंग कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा, रिफिलिंग का बाद आप क्या करेगा, तो ये सब नॉलेज आपको होना जरूरी है। और फायर ड्रिल, टाइम टू टाइम फायर ड्रिल जो वो कैसा लेगा आप, क्योंकि आपका हाथ में आपका पूरा क्रू है और जहाज़ आपका जिम्मेदारी में है, इसके लिए वो ड्रिल कब कब लेगा, कैसा लेगा, उसको जानकारी पूरा है। पॉल्यूशन का जानकारी लेने का क्रू मैनेजमेंट एंड रिस्पेक्ट रिलेशन अदर्स ऑफिसर, जो दूसरा जो ऑफिसर है वो ऑफिसर का साथ में आपका बिहेव, आपका व्यवहार कैसा होएगा, उसका रिस्पेक्ट कैसा रहेगा, वो ज़रा जानकारी आप थोड़ा सा लीजिएगा। थोड़ा सा जो इंजन मेंटेनेंस, विंडलेस और बॉटल, एयर बॉटल वगैरह, उसको कैसे मेंटेनेंस रखेगा, वो है बैटरी का मेंटेनेंस कैसा रखेगा, मेंटेनेंस कैसे रखेगा हर एक चीज़ का, उसको नॉलेज लीजिएगा। हाइड्रोलिक जो एयर सिस्टम है, जो हाइड्रोलिक का सिस्टम है और जो एयर सिस्टम है, वो सिस्टम को पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा। और पेट्रोल बॉयलर और एक्सटर्नल इंजन का ऑपरेशन कैसे, कौन सा इंजन कैसा ऑपरेशन होता है, और स्टोर मैनेजमेंट, जो स्टोर का जो ये है वो स्टोर मैनेजमेंट, मेनली सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर लोग को ध्यान देना ज़रूरी है। जो लाइफ एले से जो है, लाइफ अप्लायंस जो है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग का ऊपर बहुत बहुत शुभेच्छा है, आप लोग पास हो जाएगा सब, थोड़ा सा ये ध्यान से कीजिएगा, मेरा तरफ से आप लोग को शुभकामनाएं, शुभेच्छा है।